तो सामा भाई बोल रहे इनको पॉर्न हब में लेके आओ। उसामा कैच कर, उसामा कैच कर। पड़ा था नमाज के अंदर जो अल्लाह माफ करे, अभी मेरी इतनी फट रही थी। छोड़ो छोड़ो इसकी, अभी हमारी बात चल रही है और हमने जो है ना बहुत अच्छे पैसे लगा दिए। माँ तो बड़ी तकलीफ में होगी, बच्चा दे के आइए ना। नोटे गिनना छोड़ दो, अभी सौदा नहीं हुआ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू होता है, सबसे पहले हम खाना लेंगे। खाना जो है, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैंने कीमा नहीं डाला। उसके बाद जो है ना, तो भाई मरीजों वाला खाना खाते हुए हम सबसे पहले फ़ौरन गाड़ी में बैठेंगे और अभी हम पहुँच से हम लेंगे अपने सफ़र के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें। इसके पैसे कौन देगा? कितने की है भाई? 10 रुपए की है। एक और है, अब फूल कौन देगा? कुछ भाई खुश हो रहे हैं, माल बिक रहा है और ये जो है ना मुफ्ते लगाई जा रहा है। लीची आई थी उसामा के लिए, जो के पियेंगे फहद भाई, तो फहद भाई के लिए कोल्ड ड्रिंक को रखे हैं यहाँ पर। अभी फहद भाई जो है ना वो क्या खा रहे हैं, नसवार। और ये जो है इतनी महंगी महंगी टॉफियाँ खा रहा है, इसको बताओ भाई कितनी गुर्बत है। तुम्हें पता है जफर अब्बास की तुमने बातें सुनी है, तुम्हें पता नहीं है कितनी महंगाई है। मेरे भाई लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लोग परेशान हो गए हैं। खाने के लिए दाल होती है, चिकन होती है, पैसा नहीं होता भाई। इतनी महंगाई हो गई है आज के दौर में, लोग 1 रुपए की टॉफी खरीदना मुश्किल हो गया, तुम 10 रुपए की टॉफी खा रहे हो और उसके बाद भी तुम कह रहे हो वो टॉफी अच्छी है। अबे भाई लोगों से पूछो, जो लोग नहीं खा सक रहे उनसे पूछो 10 रुपए की टॉफी कितनी महंगी है, उनके गले से नहीं जा रही। कोई अच्छी चीज चमका ले भाई। मुबारक हो भाई, पिछले 1.5 घंटे बाद फहद भाई ने गाड़ी को जो है 80 की स्पीड से ऊपर ले गए। ये फहद भाई ने अपनी जिंदगी के रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड है फहद भाई आपका। फहद भाई 100 मारते हैं, पता है? फहद भाई मोटर वे पे जाते हैं कराची से मुल्तान, जब सक्कर से मुल्तान के मोटर वे पे चलते हैं उस वक्त फहद भाई 100 चलाते हैं। उसके बाद भी राइट लाइन में तो आता ही नहीं है। नो, फहद भाई बीच वाली लाइन में भी नहीं आता। फहद भाई बोलते हैं भाई मैं तो बस वालों के साथ आखिरी लाइन में चलूंगा, तो बस वाले भी बेचारे ओवरटेक करके बीच वाली रॉ से गाड़ियों वाली रॉ में आ जाते हैं। फहद भाई अपना अलग चलाते हैं। फहद भाई बोलते हैं मेरे को एक अलग से मोटर वे पे बराबर में सड़क पे ना, तो मैं उस सड़क पे जाता रहेगा। गुड लक पगोड़ा, बड़ी अच्छी तुमने ड्रिंक बनाई है, जिसने हमारे फीस के टेस्ट को दुबाला कर दिया, दुबाला। ओमाड़ा, हम अपना सीट साफ करके जाएगा। ये देखें, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमने अपने कचड़ों के लिए एक अदद थैली बनाई है। ये हमने वीडियो के लिए नहीं बनाई है, हम वैसे ही इतना अच्छे काम करते रहते हैं। कचड़ों की थैली हो रही है, लेकिन आइसक्रीम की डंडी एक ही है उस थैली में, दूसरी चाट है। वो हमारे सगे भाई हैं, ये हमारे पता नहीं कौन है, बस मुंह बोले भाई बोल सकते हैं। वो गाड़ी वाले हैं, ये इनकी गाड़ी है और हम इस गाड़ी को करवा रहे हैं। उनको करने देते हैं बात वहां पर, हम चलते हैं आगे की साइड पे, हम करेंगे अपनी गाड़ी। ठीक है जी भाईजान, क्या हाल है? दिख रहा है मुझे भी ये गाड़ी है तो यार, ये रही आपकी गाड़ी इतनी छोटी। अच्छा शिजोर है ना, ये इसका बच्चा है, अभी हुआ है, पहले क्या है? अच्छा अच्छा, ये बाप है, ये बच्चा है, तो वो बराबर में कौन है? माँ तो बड़ी तकलीफ में होगी, बच्चा दे के आइए ना। ये तो माँ से ही पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? माँ से ही पूछना पड़ेगा। माँ से? अबे उसकी माँ तो देख दाढ़ी आई हुई है, तो देख कितनी बड़ी दाढ़ी लगाई हुई है। मामा गाड़ी खाली है? 4 करीमाबाद जाना है, 3 जानवर है। एक ये जाएंगे, दूसरा मैं जाऊंगा, तीसरा मेरा भाई जाएगा। रस्सी तो आपको डली हुई नहीं है, वो हम पले हुए। मुछिया डाल के लाओ पहले। मुछिया क्या होती है? काबू में आ जाता नीचे। ये मुछियों की बात कर रहे हैं, मेरी तो आनी नहीं, बताओ इनको। एक बछड़ा है भाई, ये भाई जो है ये कर रहे हैं हमारा सौदा गाड़ी का। 30 क्यों नहीं मांगे भाई? कितने हजार बोले भाई? 25 भाई, इन भाई ने तो पैसे ऐसे बोल दिए कि हमें इनसे बात नहीं करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम शकूर भाई, की हाल है? वीडियो बना रहे हैं, घर जाना है, जानवर उठा के। दो जानवर यहाँ, एक पाड़ है, एक बछड़ा है, और एक आगे से मेमन गोट से एक अपना छोटा सा पाड़ है,
तीन जानवर लेके जाना करीमाबाद कितने। इस वक्त मैं मवेशी मंडी के पास खड़ा हुआ हूँ और मेरे पास फुट पार्टी आए हुए आई आईया तीन पार्टी नहीं है भाई। आप लोग खुद इंसाफ करें, ये भाई हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं यार। आपने भाई उसामा भाई बोल रहे इनको पॉर्न हब में लेके आओ। अबे यूट्यूब वाले यार तू क्या है, कोई भाड़ा वाड़ा थोड़ी है। आप लोग जो है ना साल में एक दफा कुर्बानी करते हो। नहीं 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 नहीं, मैं आए दिन साल में एक दफा ही कुर्बान करूं। जानवर लेते हो 3-3.5 लाख का और हमारे को जो है ना आप लोग क्या देते हो, सही है क्या 1000-1000 रुपए में हमसे। बाबा हम आपको भी आपके मुताबिक के पैसे देते, जानवर वाले को 3500 देंगे तो उसका गाड़ नहीं चल जाएगा। भाई जान बात सुनो, इधर हो, मजाक नहीं समझ रहे, इधर नहीं आना कि ये नहीं समझना कि लेने वाले नहीं इधर मेरी। अबे इधर आओ बात सुनो। नहीं बाबा असल में देखो यहीं से 2 जानवर लिए हुए हैं ना भाई ने, अभी जानवर ही उठाने हैं, अभी तफरिया करने नहीं है। लेकिन वो पहले बंदा स्टार्ट में आता है, थोड़ी मस्ती मजाक करता था कि मूड अच्छा हो जाए। अब तुम बिल्कुल जायज पैसों पे बात करो कि भाई इसके कितने पैसे मांग रहे हो, बिल्कुल जायज अब बात करना। 12 लाख मांग रहे, सही पैसे मांग रहे, क्या है। अच्छा पहले कितने मांग रहे थे, तो फिर बिक क्यों नहीं रहा। अगर जायज पैसे मांग रहा तो तब तक तो बिक चुका होता भाई। बिका हुआ है ना यार, आप क्यों नहीं समझ रहे, हमने ये जानवर बेच दिया है। नीचे देखिए, तुम मेरे सिक्के क्यों हिला रहे हो भाई, हमने ये जानवर बेच दिया है, आप क्यों इस जानवर के पीछे पड़ गए। कहाँ है इसका, वो कहाँ है ओनर, मालिक को बुलाओ। पैसे दिए थे वो कहाँ है, कौन है अभी जिम्मेदार, कौन है, मैं लेके जा रहा हूँ। क्यों लेके जा रहा, पैसे दिए मैंने, पैसे दे दो, बुलाओ उसको, किधर है वो। उसामा कैच कर, उसामा कैच कर, कैच। तो लग गई लेकिन खून जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे चले बेचारे का खून निकल रहा है, लेकिन मजबूरी है इसको नत लगवाना भी है। भाई उसामा भाई को पार्टा समझ आ गया, उसामा गाय बेच के ये ले रहे हो या डायरेक्ट इसको अलग से लोगे। दोनों बेचने पड़ जाएंगे नहीं लेकिन सेट मसला नहीं है, सिर्फ 2 महीने के रेंट में आ जाएगा इंशाल्लाह। 1 महीने के रेंट में 2 आ जाएंगे। नहीं उसामा ने हमको स्कीम बताई थी, उस हिसाब से 2 महीने का रेंट माना है, लेकिन उसामा कह रहा है 8 लाख रुपए का है तो 2 महीने 1 महीने के रेंट में ऐसे 2 आएंगे, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए। ए बंदा है ना, मैंने अभी हीरा लग रहा है, पहले 10,000 की गाड़ी को उसको भगा दिया फुल चौड़े में, फुल भाई शपाटर करके उसको भेज दिया, अगली गाड़ी आ गई 9,000 रुपये में, हम रात का खाना खाएंगे। तो आप भी आओ ना, आपको बैठ के खिलाएंगे। दाल रोटी इसको पता चल गया बड़ा आ गया है। नलका लगा हुआ, टूटी लगी हुई अच्छा सामने। ओके आ जाओ सामा, कर लो सामने, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। छोड़ो 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 साबिर भाई, आप इसको चढ़ाएं, हम जा रहे हैं ठीक है, नमाज पढ़ने। भाई ये चेक करो, वो चढ़ने के लिए तैयार नहीं है, इन्होंने इसकी आंखों पे कपड़ा शपड़ा लगा दिया है, फुल इसको पैक वैक कर दिया है। फ्लाइट है वो फिर भी नहीं चढ़ रहा, उसने कसम खाई हुई है। रीज़न ये है कि जानवर को पता चल जाता है कि भाई कि कहाँ मुझे चढ़ना है कहाँ नहीं चढ़ना। देखो भाई ये हम बैठ रहे थे, अभी नमाज का टाइम हो गया था, असर का टाइम बिल्कुल, उसामा को दिया हुआ, उसामा ऊपर निकल चुका है पहले ही, उसामा पहले ही ऊपर भाग गया भाई, और मैं यहाँ पर नमाज पढ़ रहा था। नमाज के अंदर जो अल्लाह माफ़ करे भी मेरी इतनी फट रही थी कि वो जो है ना वहाँ से पूरा ट्रक हिलने की धड़ धड़ आवाज़ आने लगी। मैंने बोला ये हुआ क्या है, और जैसे मैंने वो लोगों की भी हटने की आवाज़ आई जो यहाँ पर लोग हैं, मैंने बोला भाई पक्का यहाँ पर तो कोई ना कोई है ना
100% कोई बुरा सीन होने वाला है। तो क्योंकि लोग भागे जो भाई भाई काम कर रहे हैं, 3-4 बाहर की साइड पे निकल गए, वो बाहर की साइड पे भाग गए और वो ट्रक हिला, मेरी तो फट गई। मैंने बोला कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं नमाज के अंदर सलाम भी ना फिर सकूं, वहीं पे मेरे को जो है वो शहादत हो जाए। उड़ी बाबा उड़ी भाई, ये तो फुल शपाटर वपाटर हुआ हुआ है, ये ऐसा शपाटर हुआ हुआ है, अभी इसने बिल्ली मार दी थी। भाई ये कुत्ते को कौन सी मोहब्बत है, ये बार बार आ जाता है। उन्हीं पबजी में पीछे कबूतर घूमता है, ऐसे ही भैंसे के पीछे घूम रहा है। चलो भाई इतना तो हो गया कि ये आधा तो चढ़ गया, अब देखते हैं बाकी का कि ये कैसे चढ़ता है। मेरी बात सुन, अभी ये जो भाई है ना, उन्होंने इसको बोला है कि गया पैसा इन्होंने इसको बोला कि आ जाओ पैसे अंदर गिन लेते हैं, वो पैसे अंदर गिनेंगे। इन्होंने क्या करा, अपने सारे बंदों को भेज दिया। अपन पता है क्या करते हैं, इसको पकड़ेंगे, ये पैसे लेगा, इसकी खोपड़ी फाड़ देंगे, ठीक है ना, ये गोबर हटेंगे, गोबर में उसको अंदर डाल देंगे, गोबर ऊपर रख के अपन निकल जाएंगे। माल क्या है, इससे पूछो ये सुनता है। माल क्या है, माल तुम्हारे भाई के पास, मजा करूंगा। आयो भैया हम आज आपको है ना दुनिया का सबसे बड़ा छोटा कुत्ता दिखाते हैं। उसमें कुत्ते को छोड़ो उठा, और ये इसके सिनेमैटिक्स बनेंगे। भाई साबिर कुत्ते की उम्र कितनी है, उम्र 4 साल 3 महीने। भाई ये साबिर भाई के घर पे पैदा हुआ था और इनको इसलिए आया था, उस टाइम पे इनके भाई का बच्चा भी पैदा हुआ था साथ साथ, तो ये कुत्ता जो है वो 4 साल 3 महीने का है। ये जो बड़ा बछड़ा है ना, ये भी 4 साल का नहीं हुआ, अभी इन्होंने मुझे बताया था। लेकिन ये जो कुत्ता है वो 3 महीने 4 साल 3 महीने का हो चुका है। ये नस्ल छोटी है, गिटकी नस्ल है गिटकी। वो भाई सुबह से हमने सारे काम कर लिए, सारे काम करने के बाद हमने अपने जानवर उतार लिए, हमने उसकी अनलोडिंग आपको नहीं दिखाई। अनलोडिंग ना दिखाने की वजह एक ही थी, छोटी सी, कि हमारा एक जानवर जो है ना वो पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वो थोड़ा सा शपाटर हो के शपाट हो गया। तो फिलहाल पर मैंने बोला भाई अब रखो मोबाइल शोबाइल अंदर, और उसके बाद जो है ना अपना क्या कहते हैं, फिर हम अपने दूसरे कामों के अंदर लग गए थे, ठीक है। फिर हम आ गए यहाँ पर अपना क्या कहते हैं मंडी, और मंडी के जब अंदर आए तो हमारा सीन ऐसा हुआ कि मंडी के अंदर आने के बाद अब हम अपने दूसरे जानवरों की ख़रीदारी के लिए आ गए। भाई पूरी रात हमारी मंडी के अंदर गुजर गई। अच्छा अब गुजरने के बाद कैसा है कि भाई हमारे कुछ सौदे चल रहे थे, कुछ सौदे रुक रहे थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने एक सौदा ऑलमोस्ट कर लिया, वो हम भी है ना थोड़े अभी अरियल बन चुके हैं। अरियल बनने के बाद हमने 10,000 रुपये से सौदा छोड़ दिया है। आज के बासित भाई को देखें, फुल फैंसी कटिंग वटिंग करा। इंशाल्लाह हमारे अगले साल जो है वो बासित भाई की शादी है, तो बासित भाई अभी से जो है ना वो फुल कटिंग शटिंग लगा के चल रहे। भाई काई मंडी तो घूम घूम के थक गए, अब हम आ गए ऊंट मंडी, और यहाँ पर हम आए सबसे पहले निसार के पास। यार नहीं कोई व्लॉग नहीं बना रहे। हाँ भाई ये हम हैं अब ऊंट मंडी के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर माशाल्लाह ये सबसे बड़ा ऊंट है अभी फिलहाल तक, अच्छा लग रहा है। सो लेट्स सी इसके क्या रेट मांगता है भाई से, अब पूछते हैं। जी भाई कौन है इसका, आप हैं? हाँ वो सामने लगा हुआ तंबू पे, वो तंबू पे निसार का ही है। हाँ निसार का है भाई। इसकी जो है ना भाई ने डिमांड करी है 7.5 लाख रुपए, और उनके मुताबिक ये जो है वो हल्का है उस वाले से, और मुझे लगता है ये भारी है। भाई जान ऊंट मंडी में भी लोग जो हैं वो पैसे बहुत मांग रहे हैं, और इस वक्त जो है ना मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, क्योंकि पिछले मैं 2 दिन के अंदर मैं 1 दिन सोया 9:30 और फिर 10-11 बजे उठ गया था, और अभी भी ऐसा ही है। फिर कल फ्राइडे के दिन भी यही हुआ, सुबह 8:30-9 बजे से और 11:30 बजे नमाज के लिए उठ गया। तो पूरा दिन जो है ना वो मेरे गुजर रहा है मंडी के अंदर ही। तो इस वक्त ऊँट मंडी में भी पैसे इतने मांगे जा रहे हैं, छोटे छोटे ऊँटों के जो है ना वो 10-10 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं, मतलब जो ऊँट 4.5-5 लाख रुपये तक वैल्यू रखता है। बट खैर महंगाई हुई है, इनके दिमाग पर महंगाई ज़्यादा सर पर चढ़ गई है। अभी हमारा जो है ना वो सफ़र अब्बास साहब से भी थोड़ा सा उनके जो वो है ना क्या कहते हैं ये करने वाले, बेसिकली उनका मसला था, वो जिनसे ऊँट ले रहे थे वो हमारे बड़े करीबी, वो तो उनके आपस के मामलात में। खैर उनके जो करीबी वो उठाने वाले जो है ना
उनके बड़े अपने वो थे, मसला भी बताएंगे इंशाअल्लाह। तो भाई मियाँ हालत होती जा रही है दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता और ख़राब। मुंह को देखो क्या हो गया है, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, पूरी रात जो है वो मंडी के अंदर गुजरी। रात को हम अपने जानवर लेके आए, उसके बाद हमें एक गाय लेनी थी, उसको लेना था। अनलोडिंग हम दिखा नहीं सकते थे, बड़े मसले मसाइल अभी कि कोई एक अच्छा सा हमको भी ऊँट मिल जाए। उम्मीद है अल्लाह से कि अच्छे ऊँट बहुत जल्दी अब मिलेंगे। भाई ये ऊँट है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी अभी हमारी बात चल रही है और हमने जो है ना बहुत अच्छे पैसे लगा दिए। सो आप लोगों को आवाज़ तो आ गई होगी डिमांड की भाई की। अभी हमारे जो ऊँट मंडी के किंग हैं शायद भाई, उनको जब पता चला कि भाई मैंने इस पैसों के कुछ लगाए ऊँट एक ऊँट के, तो वो हमारे जो अब्बा जी हैं उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने बोला भाई इसने अगर कुछ लगाया ना तो इसने जायज़ पूरे नहीं लगाए होंगे। बोला कि तुम्हारा बेटा बहुत कसूड़ा है। उन्होंने मतलब मुझे कसाई का नाम दिया हुआ है।